गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2। इसके कुछ सवाल हमने कल सॉल्व किए थे, आज हम नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 पर लेते हैं। तो इसको आप बुक से अच्छे से रीड करेंगे, तो इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है और क्वाड्रिलेटर जो है वो वृत्त के सर्किल के बाहर बना हुआ है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसका जो फिगर है वो आपको बुक में दिया हुआ है, तो इस टाइप का उसे फिगर दिया हुआ है और इसमें ए बी सी डी, तो इसमें हम लिखेंगे इन सर्किल सी ओ आर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्किल। ये सर्किल की टेंजेंट लाइन है और इनसे मिलकर आपका एक क्वाड्रिलेटर बनता है। तो इसमें आपको प्रूफ डेट करना है, प्रूफ डेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्रूफ डेट आपको करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए बी प्लस बी सी, ये आपको प्रूफ डेट करना है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। इसी से रिलेटेड आपका ये वाला सवाल है, तो इसमें यहाँ पे हम प्रूफ इट कैन बी ऑब्जर्व, जब हम प्रूफ करेंगे तो चित्र को देख के हमें प्राप्त होता है। अब इसमें हम जानते हैं कि आपकी जो टेंजेंट लाइन होती है, स्पर्श रेखा जो होती है, उनकी लंबाइयाँ बराबर होती है। तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन इनकी जो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ होगी वो आपकी बराबर होगी। इट कैन बी ऑब्जर्व डी आर बराबर डी एस, अब इसको डी आर बराबर डी एस यानी दो यहाँ से लेना है, डी से लेना है, डी आर बराबर डी एस इसमें लिखते हैं टेंजेंट ऑन द सर्किल पॉइंट डी। तो टेंजेंट लाइन जो है वो आपकी यहाँ पे इस पे इंटरसेक्ट करती है, तो डी आर बराबर डी एस की टेंजेंट लाइन की जो लंबाइयाँ हैं वो इक्वल होती है, इसलिए इसको डी आर बराबर डी एस कर दिया। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसी प्रकार से अभी हमने डी से लिया था, अब सी से लेंगे, फिर बी से लेंगे, फिर ए से, इस क्रम से आपका ये चक्र चलता रहेगा। तो यहाँ से अब हम यहाँ से यहाँ तक ले लिया था, अब इसमें आपको ये जोड़ना पड़ेगा, तो सी से फिर इधर लौटना पड़ेगा और सी से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार आपको पीछे लौटना है, फिर एक बार आपको आगे बढ़ना है, तो इसमें लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू, तो सी आर बराबर सी क्यू और क्वेश्चन ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इसमें ये लिखेंगे टेंजेंट ऑन द सर्किल पॉइंट सी, तो ये हमने सी पर लिख दिया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम बी पर लेंगे, तो बी पर लेंगे तो आप यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक फिर लौटना है और यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ना है, तो इसमें लिखेंगे हम बी क्यू बराबर बी पी, तो बी बी पी बराबर बी क्यू बराबर, इसमें देख के चलना है कॉमन कॉमन चीज आपकी एक साइड आना चाहिए, कॉमन कॉमन चीज एक साइड आपकी आना चाहिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे बी क्यू है, यहाँ पे आर आर है, तो इस टाइप से भी आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इसमें भी ये लिख देंगे टेंजेंट वन द सर्किल पॉइंट बी, बी पर लिख दिया। अब हम लेंगे आप ए पर लेंगे, तो ए से एक बार आपको पीछे लौटना है, फिर एक बार आगे चलना है, तो ए बी बराबर आपका ए एस हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए एस लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा और इसमें हम लिख देंगे टेंजेंट वन द सर्किल पॉइंट डी। तो इस प्रकार से हमने इसके ऑब्जर्व किए, फोर इक्वेशन हमने प्राप्त किए। आप इन फोर इक्वेशन को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों को हम जोड़ देंगे। जब चारों को जोड़ेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे डी आर प्लस सी आर, तो
BR plus CR, ये मिलके पूरा क्या क्या बन रहा है, BC बन रहा है या CD बन रहा है, ठीक है। तो इसी जगह पे क्या लिख देंगे, CD लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे BP plus AP, ये पूरा मिलके आपका क्या बनेगा, ये पूरा मिलके बनेगा आपका A। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख देंगे AB, तो ये आपका हो गया CD plus AB। तो एक तरफ तो आप देख रहे होंगे, एक तरफ का तो आपका आंसर आ गया CD plus AB। अब आपको इस तरफ लाना है, तो इस तरफ DS और CE। अब इसमें देखो SS वाले एक तरफ देखो, SS वाला किसमें दिख रहा है आपको, एक S तो इसमें लिखा हुआ है और एक आपका इसमें लिखा हुआ है, तो इन दोनों को पास पास में बैठा लो, ठीक है। तो DS plus AS और QQ वाले एक तरफ कर लो, तो QCQ plus BQ। अब यहाँ पे देखो DS plus AS, फिर आपको देखेंगे आप DS plus AS, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया DS plus AS, पूरा मिलके क्या बन, पूरा मिलके आपका बनेगा AD। तो पूरा मिलके आपका बन गया AD, तो इसी जगह पे हमने AD रख दिया। उसके बाद अब CQ plus BQ, CQ और BQ दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे CQ plus BQ, दोनों मिलके आपके क्या बन गए, BC बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो साइड है वो आपकी AD plus BC आ गई। यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप AD plus BC की आपको प्रूफ टेस्ट करना था। अब जैसा क्रम से आगे पीछे लिखा हुआ है उस क्रम से आप इसको लिख देंगे, AB plus CD = AD plus BC। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो आपका कंप्लीट होता है। आप लोगों से आशा रखते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का है, जिसमें आपको दिया हुआ है गिवन दैट इन सर्किल COR, एक ऐसा सर्किल हमने बनाया जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब ABCD आपका पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में आप जानते हैं इसकी अपोजिट साइड जो होती है तो वो आपकी इक्वल होती है, बराबर होती है। तो AB के समांतर, AB के समांतर आपकी कौन सी है, CD है। AB के अपोजिट साइड है आपकी CD। तो यहाँ पे आप लिखेंगे AB बराबर CD, तो AB बराबर CD लिख दिया। उसके बाद BC की अपोजिट क्या है, AD है, तो इसमें लिख देंगे BC = AD। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। इसको आप अच्छे से याद कर लें और ये स्टेटमेंट भी याद रखें कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी अपोजिट साइडें हमेशा बराबर होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। अब इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मान लिया है। अब प्रूफ देट आपको करना है ABCD is a rhombus। रोमबस का मतलब होता है, मतलब जिसकी आपकी चारों भुजा बराबर हो, मतलब एक आपने काइट देखी होगी, पतंग देखी होगी, पतंग आपकी इस टाइप की होती है, इस टाइप से आपकी पतंग होती है, ठीक है। ये आपका रोमबस होता है कि ये साइड आपकी बराबर होती है, ये रोमबस है आपका, इस टाइप से आपको बताना है, ये प्रूफ देट करना है। उसके बाद अब यहाँ से हम सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल को स्टार्ट करेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व, अब फिगर को देखकर हम इसमें ऑब्जर्व प्राप्त करते हैं, जैसे इसको किया था, सेम जैसे कि वैसा सवाल है। पहले हम डी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपकी AB BC CD DA, ये टेंजेंट लाइन है सारी, टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श कहाँ पे करती है, AB की पे करती है, BC क्यू पे स्पर्श करती है और CD R पे टच करती है और AB आपकी
एस पे टच करती है। ये चार पॉइंट आपके टेंजेंट पॉइंट हैं। अब यहाँ पे डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर आर सी, क्या लिखा है, डी आर सॉरी सी आर बराबर सी क्यू, ये यहाँ से लिया पहले हमने सी पॉइंट से, ठीक है। तो सी आर तो ये ऊपर लिखा हुआ है डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, यहाँ से लिया है डी पॉइंट से, जैसे इसमें लिया हुआ था, ठीक है, ऐसे इसमें लेना है। तो डी आर बराबर डी एस, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और इसमें क्या लिखेंगे, टेंजेंट वन द पॉइंट डी, डी डी पॉइंट पर आपके टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डी आर बराबर डी एस। अब इतना आधा आ गया आपके पास, अब आगे में आपको इतना और जोड़ना है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा। तो फिर इसमें लिखेंगे सी आर बराबर सी आर बराबर सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी से लिया है, तो सी आर बराबर सी क्यू, एक बार पीछे जाना है एक बार आगे जाना है, तो सी आर बराबर सी क्यू, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और इसमें हम लिखेंगे टेंजेंट पॉइंट वन द टेंजेंट वन द डी पॉइंट, तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब पहले B से लिया, फिर C से लिया, अब लेंगे हम D से, तो B से अब देखो सी क्यू तक आ गए थे यहाँ तक सी क्यू, ठीक है, तो अब लेंगे हम यहाँ से B से लेना है, तो इसमें लिखेंगे बी पी बराबर सी क्यू, बी पी बराबर सी क्यू, बस बी पी बराबर सी क्यू, ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। और इसमें हम लिख देंगे टेंजेंट वन द पॉइंट बी, स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है, इसलिए ये भी बराबर लिख दिया। आप लिखेंगे ए, अब यहाँ पे हम बी तक पहुँच गए थे, अब ए पे आ जाएंगे, तो ए से आपका एक इस तरह है और एक इस तरह है, तो इसमें लिख देंगे ए पी, ए पी बराबर ए एस, इसमें ए पी बराबर ए एस, ये आपका इक्वेशन फोर्थ हो गया। इसमें क्या लिखेंगे, टेंजेंट वन द पॉइंट डी। इस प्रकार से आपने चार इक्वेशन ऑब्जर्व किए, चार इक्वेशन निकाले, अब इन चारों को हमें ऐड करना है। जब चारों को हम ऐड करेंगे तो ऐड में लेफ्ट साइड, लेफ्ट से लेफ्ट ऐड होती है और राइट से राइट, इस तरफ वाली इस तरफ जोड़ेंगे और इस तरफ वाली इस तरफ जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, पूरी मिलकर आपकी क्या बनेगी, सी डी बनेगी। तो यहाँ पे हमने सी डी लिख दिया। और फिर आप देख रहे हैं बी पी प्लस ए पी, तो बी पी, बी पी प्लस ए पी, ये दोनों पार्ट बी पी प्लस ए पी मिल के आपका क्या बनेगा, ए पी बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा ए पी। अब इस तरह आपको देखना है ए डी प्लस बी सी, अब डी एस और ये ए एस लिखा है, ये ए एस लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे ठीक है, ये जगह कम थी, ये थोड़ा ऊपर लिख दिया, ये डी एस प्लस ए एस, तो डी एस प्लस ए एस, अब देखेंगे इसमें डी एस, ये आधा पार्ट भी यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो डी एस प्लस ए एस, ये पूरा मिलकर क्या बनेगा आपका, ए डी बनेगा। और उसके बाद फिर आपका अब क्या क्या बचा है, सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू, तो सी क्यू ये लिखा है और ये लिखा है आपका बी क्यू, तो सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या बनेगा आपका, बी सी बनेगा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, बी सी, तो ये आपका पूरा मिलके क्या हो गया, सी डी प्लस ए डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको रोम्बस सिद्ध करना है, तो रोम्बस का मतलब होता है इसकी चारों साइडें आपकी बराबर होना चाहिए, ठीक है, वो आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर हो। तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे ए बी, यहाँ पे देखेंगे गिवन में ए बी किसके बराबर दिया है, सी बी, इसका मतलब है कि इसकी जगह पे आप इसको रख सकते हैं, इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं, तो ए बी, अब सी डी की जगह पे एक बार हम और ए बी रख लेंगे, तो
AB दो बार लिख देंगे और इसी प्रकार से इस तरह AD फिर दिया है यहाँ पे इधर हमने लिखा था AD plus BC अब यहाँ पे क्या है AD BC के बराबर दिया है तो AD की जगह पे BC रख सकते हैं और BD की जगह पे AC रख सकते हैं तो इसकी जगह पे जब हम इसका मान रखेंगे तो AD plus AD हो जाएगा तो ये आपका 2AD हो जाएगा और इस तरफ आपका 2AD हो जाएगा तो 2 से आपका 2 कट जाएगा इधर आपको बचेगा AB बराबर AD तो इस प्रकार से आपने प्राप्त कर लिया AB बराबर AD। अब आपको ये दो साइडें तो इक्वल होंगी ठीक है दो साइडें इक्वल हो गई अब इसी प्रकार से आप दो साइडें और इक्वल कर सकते हैं कैसे इक्वल कर सकते हैं अभी हमने CD को AB में चेंज किया आप AB को CD में चेंज कर देंगे और यहाँ पे AD को अभी AD को हमने BC में चेंज सॉरी BC को हमने AD में चेंज किया था आप AD को BC में चेंज करेंगे तो फिर आपका CD बराबर BC हो जाएगा तो केवल ये आपको इतना सा सिद्ध करना है उसके बाद लिखेंगे जस्ट एंड इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं CD बराबर BC। प्यारे बच्चों यहाँ पे जगह कम होने की वजह से ये हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है अगर आप चाहें तो इसको इसी तरीके से यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये दो क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के आज आपको सॉल्व करवाए आप लोगों से आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे ये सवाल जो है वो थ्योरी का है इसलिए इनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे आप लोग अच्छे से अध्ययन करते रहें और अगर किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर